आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑल इंडिया फुटबॉल के एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सारे ईस्ट बंगाल के कॉन्फर्म फॉरेनर्स के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेटली ऑन टू द वीडियो। तो दोस्तों सीरियली चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहला साइनिंग, जो कि है 32 वर्षीय स्पेनिश मूल के डिफेंडर इवान गोंजालेस, जो कि एफसी गोवा के लिए मशक्कत किया करते थे पिछले दो सालों से। और तो और उन्होंने एफसी गोवा के साथ पिछले साल डूरन कप भी जीते थे। और तो और उन्होंने एफसी गोवा के लिए 36 बार रिप्रेजेंट किए थे, जिसमें से उन्होंने 3 गोल्स और 2 असिस्ट भी किए थे। ओवरऑल अगर कहा जाए तो काफ़ी मैच्योर डिफेंडर है और तो और अपने टीम के लिए पूरा जान लगा देते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ईस्ट बंगाल ने जो बहुत बड़ा साइनिंग किया है वो है साइप्रस नेशनल टीम के वर्सेटाइल डिफेंडर चारालंबोस किराकोव। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर एक पोजीशन में खेल सकते हैं। ऑल्दो उन्होंने मेजोरिटी में राइट बैक के तौर पर खेलते हैं, बट ही कैन प्ले एज ए सेंटर बैक एंड एज वेल एज ए लेफ्ट बैक। और तो और उन्होंने साइप्रस नेशनल टीम को 11 बार रिप्रेजेंट किए हैं हाल ही कुछ एक साल पहले। और तो और उन्होंने लगभग सारे डोमेस्टिक खिताब अपने नाम कर चुकी है साइप्रस में। तो हम ये कह सकते हैं कि ईस्ट बंगाल का डिफेंस काफ़ी सॉलिड लग रहा है, और होगी क्यों ना। स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन को हमने पहले से ही देखा है कि वे ज़्यादातर काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। तो आगे बढ़ते हुए अगले खिलाड़ी जो कि ईस्ट बंगाल ने साइन किया है वो है एलेक्स लीमा। हमने कुछ दिनों पहले ही हमारे ट्विटर अकाउंट पे न्यूज़ लीक किया था अबाउट ईस्ट बंगाल इन टच विद एलेक्स लीमा। अगर आप सभी ने हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो नहीं किया है तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अभी अगर एलेक्स लीमा की बात करें तो उन्होंने जमशेदपुर एफसी के लिए पिछले दो साल मशक्कत किए हैं, और तो और पिछले साल उन्होंने लीग विनर्स भी बन चुके हैं। ऑल टोटल उन्होंने 41 बार रिप्रेजेंट किए थे जमशेदपुर एफसी को, जिसमें से उन्होंने 4 असिस्ट और 1 गोल भी मारे थे। फिर आगे बढ़ते हुए अगले जो खिलाड़ी है, हम अगर कहें कि मोस्ट अंडररेटेड फॉरवर्ड, तो ये भी बिल्कुल गलत नहीं होगा। बहुत ही कमाल के स्ट्राइकर हैं क्लेटन सिल्वा, जो कि बेंगलुरु एफसी को रिप्रेजेंट करते थे पिछले दो सीजन से। और तो और उन्होंने 16 गोल के साथ 7 असिस्ट भी किए थे अपने टीम बेंगलुरु एफसी के लिए। और तो और जो सबसे कमाल का स्टैट है वो ये है कि क्लेटन सिल्वा बने थे पहले खिलाड़ी एज ए फॉरेनर जो कि थाईलैंड में 100 गोल्स का रिकॉर्ड कॉम्प्लीट कर पाए थे। फिर जो पांचवें कॉन्फर्म साइनिंग है वो है ब्राजील के एलियांड्रो, जो कि सिल्वरवेयर का खिताब अपने नाम किए हैं विद बोथ लिथुनिया और माल्टा में। और तो और पिछले दो सालों में उन्होंने थाईलैंड में कई क्लब्स के साथ मशक्कत किए थे, जहां पे उन्होंने 23 गोल भी मारे थे। अभी दोस्तों ये सभी साइनिंग्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ना केवल टीम को डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं बल्कि अटैकिंग में भी काफ़ी जोर देखने को मिल रहा है। और अभी छठवें फॉरेनर की बात करें तो वो एशियन कोटा के होने वाले हैं, और तो और सोर्सेस के अकॉर्डिंग अटैकिंग मिडफील्डर हो सकते हैं। फिलहाल तो भाई हम सभी ने सोचा था कि इस बंगाल टीम फिर से पिछले बार की तरह शायद डगमगा जाएगी, बट नहीं दोस्तों, दे प्रूव एवरी वन ऑफ अस रॉन्ग। तो दोस्तों देखते हैं हाउ दे परफॉर्म ऑन फील्ड। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये टीम कमाल कर पाएगी या नहीं? लेट्स सी हाउ मेनी लाल होलूज हर्ट्स वी कैन सी इन आवर कॉमेंट सेक्शन। इससे ये भी पता चल जाएगा कि कितने ईस्ट बंगाल के फैंस हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, बिकॉज हम इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड हर अपडेट अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग एंड ऑलवेज सपोर्ट इंडियन फुटबॉल।